अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। और जैसा कि हम अपनी लास्ट वीडियो में एमिली ब्रॉन्ट के द्वारा लिखी हुई वुदरिंग हाइट्स डिस्कस कर रहे थे, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इसकी चैप्टर वाइज समरी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसकी समरी मैंने डिवाइड कर दी है, चैप्टर 1 to 5, चैप्टर 6 to 9, देन चैप्टर 10 to 14, फोर्थ है चैप्टर 15 to 20, 21 to 26, 27 to 30, 31 to 34। इसमें टोटल 34 चैप्टर्स हैं जिन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैंने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 to 14 इतना पार्ट कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो बाकी का इसका पोर्शन है वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी समरी को, इसकी समरी का फर्स्ट पार्ट, दैट इज चैप्टर 1 to 5। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, ये कहानी शुरू होती है यॉर्कशायर नाम की एक सिटी में जो कि थिनली पॉपुलेटेड होती है, और लॉकवुड जो कि मैंने आपको बताया था थ्रिश क्रॉस ग्रांच में एज ए टेनेंट रहने आया होता है। वो अपनी डायरी में लिखना शुरू करता है और ये बात होती है 1801 की। वो अपने जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको अपनी डायरी में नोट करता जाता है एज अ रिकॉर्ड। तो जैसे वो थ्रिश क्रॉस ग्रांच आता है, वो अपने लैंडलॉर्ड से मिलता है, यानी कि मिस्टर हिथक्लिफ से मिलता है वो, और बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस होता है। और जो मिस्टर हिथक्लिफ हैं वो उस पर, यानी लॉकवुड पे भरोसा नहीं करते, और वो उसके पीछे बहुत सारे डॉग्स छोड़ देते हैं जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है। और उसके बाद नेली जो उनकी हाउसकीपर होती है वो उन्हें उस डॉग से बचाती है, और वो वापस जो लॉकवुड है वो थ्रिश वुदरिंग हाइट्स आया होता है हेथक्लिफ से मिलने, वो वापस थ्रिश क्रॉस ग्रांच यानी जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे वापस लौट जाता है, और वो डिसाइड करता है कि वो अगले दिन वापस उससे मिलने आएगा। अब चैप्टर नंबर 2, ऑन अ चिली आफ्टरनून, स्नोफॉल हो रहा होता है, वो जाता है और वहाँ पे वो मिलता है, और वुदरिंग हाइट्स जाता है, वहाँ पे वो हिथक्लिफ से मिलना चाहता है। लेकिन एक जोसेफ नाम का जो एक सर्वेंट होता है वो बोलता है कि हिथक्लिफ घर पे नहीं है। उसके बाद जब वो गेट को नॉक करता है तब एक रफ लुकिंग यंग मैन आता है, गेट ओपन करता है और वो अंदर जाता है। वहाँ पे जाके वो देखता है कि एक ब्यूटिफुल यंग लेडी बैठी हुई है जिसे वो इमेजिन करता है कि वो हिथक्लिफ की वाइफ होगी। बट हिथक्लिफ आता है उससे मिलने और वो उसे करेक्ट करता है कि वो हिथक्लिफ की वाइफ नहीं है, वो उसकी डॉटर इन लॉ है, यानी उसकी उसके बेटे की वाइफ है वो। और हिथक्लिफ फिर ये इमेजिन करने लगता है कि जो वो रफ लुकिंग यंग मैन है वो हिथक्लिफ का बेटा है। वो उसे, जो हिथक्लिफ है वो लॉकवुड को फिर से करेक्ट करता है कि वो उसका बेटा नहीं है, वो हेटन है जो हिंडले था, यानी मिस्टर अंशु का बेटा हिंडले उसका बेटा है। धीरे धीरे क्या होता है, जो स्नोफॉल है वो बढ़ने लग जाती है, और क्योंकि लॉकवुड को वापस थ्रिश क्रॉस ग्रांच जाना होता है तो वो उनसे बोलता है हिथक्लिफ से कि वो लेंटन यानी कि जो लैम्प होता है वो लैम्प लेके जा सकता है, और वो मॉर्निंग में बोलता है कि वो वापस कर देगा। जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है अपने हाथ में लैम्प लेंटन लेके, तो जोसेफ को लगता है कि ये एक थीव है, वो कोई चोर है, और वो उसके पीछे डॉग्स छोड़ देता है जिसकी वजह से वो उसे काटते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाता है, और जितने भी इनहैबिटेंट्स होते हैं वुदरिंग हाइट्स के वो उन्हें कर्स करते हैं, उन्हें बददुआएं देता है कि उन्होंने उसके साथ ऐसा किया। और उसके बाद उसे रेस्ट के लिए एक रूम में लेके जाते हैं वो लोग। ज़िला नाम का जो एक कैरेक्टर है इसमें, जो सर्वेंट है, वो लॉकवुड को लेके जाते हैं एक रूम में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में क्या होता है, जो ज़िला है वो लॉकवुड को एक आउट ऑफ द रीच रूम, यानी एक स्टोर रूम, अजीब से रूम में लेके जाता है जहाँ पे कि हेथक्लिफ ने सबका आना मना किया होता है कि वहाँ पे कोई आ नहीं सकता। लॉकवुड वहाँ जाता है और उसे दीवार पे कैथरीन अंशियो, कैथरीन लिंटन और कैथरीन हेथक्लिफ,
ये नाम उससे दीवार में क्रेव्ड किए हुए मिलते हैं, यानी किसी ने कुरेद दे होते हैं ये नाम दीवार में। उसके बाद उसे कैथरीन की एक डायरी मिलती है जिसमें वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा होता है उसने, जो कि मिस्टर अंशुए ने उसके फादर की डेथ के बाद लिखा होता है, कि कैसे जो हिंडले है वो कितनी नफरत करता है हेथक्लिफ से और जो कैथरीन है वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। उसने वो सारी अपनी एंट्रीज वगैरह के बारे में लिखा होता है। उसके बाद जो लॉकवुड है वो सो जाता है और उसे नाइटमेयर्स आते हैं। सडनली एक विंडो पे कोई गोस्ट टाइप फिगर आता है और वो डोर को नॉक करता है, और जो लॉकवुड होता है वो काफ़ी डर जाता है इस चीज़ से, और सडनली वो जो डोर है, क्योंकि वो ग्लास का होता है तो वो टूट जाता है, तो उस ग्लास को कवर करने के लिए वो कुछ बुक्स उठा के वहाँ पे रखना शुरू करता है और वो काफ़ी डरा हुआ होता है, और सडनली गोस्टली हैंड अंदर आता है जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा डर जाता है। जैसे वो चिल्लाता है वहाँ पे हिथक्लिफ आता है और वो उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। लॉकवुड जो कि काफ़ी डरा हुआ होता है वो वापस वुदरिंग हाइट से निकलकर वापस थ्रश क्रॉस ग्रैंड में चला जाता है। वहाँ पे जाने के बाद वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है और अपने रूम में चला जाता है अलग से, अपने हाथ में एक बुक रीड करने के लिए ले लेता है। अब है चैप्टर नंबर 4, जिसमें ये दिखाया जाता है कि जो नेली है वो लॉकवुड के लिए सपर यानी इवनिंग टाइम का जो खाना होती है वो लेके आती है, और जो लॉकवुड है वो उसे वुदरिंग हाइट्स की कहानी के बारे में बताती है। यानी अब ये स्टोरी प्रेजेंट से फ्लैशबैक में चली जाती है। वो उसे बताती है कि कैसे मिस्टर अंशियू, जो कि वुदरिंग हाइट्स के फैमिली में थे पहले, उनकी वाइफ मिसेस अंशियू, उनके बारे में बताती है। हिंडले उनका जो बेटा होता है, कैथरीन उनकी डॉटर होती है, वो उन सब के बारे में उन्हें बताना शुरू करती है। जो यंग कैथरीन होती है वो लिंटन फैमिली की लास्ट मेंबर होती है, और जो हेयरटन होता है वो अंशियू फैमिली का लास्ट मेंबर होता है। जैसे जैसे वो स्टोरी उसे बताना शुरू करती है वुदरिंग हाइट्स के बारे में, वो बताती है कि कैसे जो मिस्टर अंशु है वो लिवरपूल एक बार घूमने के लिए गए थे, तो वहाँ से वो हिथक्लिफ को लेके आए थे एज अ ऑफन चाइल्ड, और उन्होंने बोला था कि अब ये जो लड़का है ये हमारे साथ एज अ फैमिली मेम्बर रहेगा। स्टार्टिंग में जो दोनों बच्चे होते हैं यानी हिंडले और कैथरीन, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, आउटसाइडर की तरह उसे ट्रीट करते हैं, बट धीरे धीरे कैथरीन और जो हेथक्लिफ है वो काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन जो हिंडले होता है वो हमेशा हेथक्लिफ से नफरत करता है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। जो मिसेज अंशी होती है यानी कि हिंडले की जो मदर होती है, वो भी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। और हेथक्लिफ के घर में आने के 2 साल बाद ही मिसेज अंशियू यानी उनकी जो मदर होती है उनकी डेथ हो जाती है। अब चैप्टर नंबर 5, धीरे धीरे क्या होता है, जो टाइम होता है वो वक्त बीतता जाता है और जो मिस्टर अंशियू वो धीरे धीरे वीक हो जाते हैं, और क्योंकि जो हिंडले है वो हिथक्लिफ को कभी भी पसंद नहीं करता, हमेशा उसे डिसलाइक करता, उसे बहुत हेट करता है, तो मिस्टर अंशियू हिंडले को हॉस्टल भेज देते हैं कुछ सालों के लिए। इस दौरान मिस्टर अंशु जो कि काफ़ी वीक हो चुके होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ होने के बाद हिथक्लिफ और कैथरीन यही डिस्कस करते हैं कि अब जब हिंडले वापस आएगा तो वही वुदरिंग हाइट्स का ऑनर होगा। अब है चैप्टर नंबर 6-9। चैप्टर नंबर 6, इसमें क्या होता है, कुछ सालों बाद जब हिंडले वापस आते हैं अपनी वाइफ के साथ, फ्रांसिस जिसका नाम होता है, वो मिस्टर अंशियो की फ्यूनरल पे आया होता है, उनकी जो उनकी फ्यूनरल पे आता है वो, और वो ये बोलता है कि अब जो हेथक्लिफ है उसे एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी, वो भी बाकी लेबर्स की तरह फील्ड में काम किया करेगा अगर उसे इस घर में रहना है तो। साथ ही साथ वो कैथरीन जब वो अपना काम कंप्लीट कर लेता था यानी हेथक्लिफ, तो उसके बाद वो कैथरीन के साथ खेलने के लिए जाया करता था।
ये बात जब हिंडले को पता चली तब उसने बोला कि अब गेट को लॉक कर दिया जाएगा और उन दोनों में से किसी को भी अंदर आना अलाउड नहीं होगा। लेकिन जो नेली होती है यानी उनकी हाउस कीपर, वो वहाँ जाती है और जब वो देखती है कि हिथक्लिफ अकेला आ रहा है तो वो काफ़ी शॉक हो जाती है। उसके बाद हिथक्लिफ उन्हें बताता है कि वो लोग पास में जो उनके मेंशन होता है थ्रिश क्रॉस ब्रांच, वहाँ पर वो दोनों जाते हैं इडगर और इसाबेला को टीज करने के लिए, चढ़ाने के लिए। लेकिन वहाँ पे एक स्कलकर नाम का जो डॉग होता है लिंटन फैमिली में, वो कैथरीन को काट लेता है जिसकी वजह से वो घर वापस नहीं आ पाती। और लिंटन फैमिली कैथरीन को अपने पास रख लेती है उसकी फर्स्ट एड वगैरह करने के लिए। और हिथक्लिफ ये बात आके बताता है नली को। उसके नेक्स्ट डे जब कैथरीन ठीक हो जाती है तो मिस्टर लिंटन हिंडले से मिलने आते हैं और वो उसे बताते हैं कि उसे अपनी सिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और उसे इस तरीके से घूमने देना नहीं चाहिए। इसके बाद क्योंकि जो हिंडले वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस हो जाता है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, तो वो हिथक्लिफ को बोलता है कि आज के बाद वो कैथरीन से कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहे। देन चैप्टर नंबर 7। अब इस चैप्टर में बताया जाता है जो कैथरीन है वो एटलीस्ट 5 वीक्स वो लिंटन फैमिली के साथ स्पेंड करती है। और जो मिसेस लिंटन होती है यानी एडगर की जो वाइफ होती है, वो उससे सिखाती है कि कैसे लड़कियों को बिहेव करना चाहिए और वो उसी तरीके से बिहेव करने लगती है। और वो इसाबेला और लिंटन को ज़्यादा पसंद करने लगती है हिथक्लिफ के मुकाबले। अब क्रिसमस का जो फंक्शन होता है उस पर वो वापस अपने घर जाती है यानी वुदरिंग हाइट्स जाती है, और हिथक्लिफ को वो बहुत ही बुरा बोलती है कि वो बहुत ही डर्टी है जिसके कारण उसे बहुत बुरा लगता है। और जो लिंटन फैमिली होती है वो इस शर्त पे उन्हें आने देते हैं कि जो हिथक्लिफ है वो वहाँ पे नहीं रहेगा, तब वो एडगर और इसाबेला को वो आने देंगे। जिसकी वजह से हिंडले ये ऑर्डर देता है कि हिथक्लिफ को एक रूम में बंद कर दिया जाए। उसके बाद हिथक्लिफ को एक रूम में बंद कर दिया जाता है अलग से, जिसकी वजह से उसे बहुत ही गुस्सा आता है और बहुत ही बुरा लगता है। और वो डिसाइड करता है कि वो हिंडले से अपना रिवेंज लेगा। उसके बाद जब नेली वापस वहाँ जाती है, उसे रूम से लॉक को खोल देती है वो, और उसे एक सुपर यानी उसे खाना देती है। और जो हिथक्लिफ है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। अब जब ये स्टोरी जो नेली है वो लॉकवुड को बता रही होती है तो काफ़ी देर हो चुकी होती है, काफ़ी नाइट हो चुकी होती है। लेकिन लॉकवुड बोलता है कि वो रात को लेट नाइट ही सोता है तो, और वो स्टोरी को और भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहता है। देन चैप्टर नंबर 8। जो नेली है वो थोड़ी सी स्टोरी को स्किप कर देती है और वो पहुँच जाती है स्टोरी के उस पोर्शन में यानी कि समर ऑफ 1778, जहाँ पे वो बताती है कि जो फ्रांसिस होती है यानी हिंडले की जो वाइफ होती है, वो एक बेबी को बर्थ देती है जिसका नाम होता है हेयरटन। और उसके बर्थ के कुछ टाइम बाद ही फ्रांसिस की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से हिंडले जो है वो बहुत ही परेशान हो जाता है, बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जिसके कारण वो ड्रिंक करना शुरू कर देता है। लेकिन हेथक्लिफ उसके इस स्टेडी डिक्लाइन को यानी धीरे धीरे जो उसका डिक्लाइन हो रहा है उसको बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करता है और वो उससे क्या कहते हैं बदला लेना चाहता है। अब जो हिथक्लिफ होता है वो फ्री होके वापस आता है और वो कैथरीन से बोलता है कि वो चले उसके साथ, जैसे कि वो मूर्स में जाया करते थे वेस्टलैंड में खेलने के लिए। लेकिन कैथरीन उसे मना कर देती है और वो बोलती है कि जो एडगर है वो हिथक्लिफ से काफ़ी अच्छा है, और जिसकी वजह से हिथक्लिफ को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है। उसके बाद वहाँ पर एडगर आता है कैथरीन से मिलने और हिथक्लिफ वहाँ से चला जाता है। क्यों जो नेली है वो वहीं पर रहती है क्योंकि हिंडले ने उसको उसकी प्रोटेक्शन के लिए रखा होता है कैथरीन की। लेकिन कैथरीन उसे बोलती है कि वो वहाँ से चली जाए, इवन वो उसे स्लैप भी करती है, तो नेली वहाँ से जाती है। उसके बाद कैथरीन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, वो थोड़ा अजीब सा बिहेव करने लगती है, जिसकी वजह से एडगर थोड़ा डिसअपॉइंट होता है और वो वहाँ से चला जाता है।
बट वो एक लास्ट ग्लिम्स लेना चाहता है, तो वो विंडो में से झांक के देखता है और वो वापस क्या कहते हैं कैथरीन के पास आ जाता है, और वो दोनों एक दूसरे के लिए अपना लव कन्फेस कर लेते हैं। इधर जो हिंडले होता है वो ड्रिंक कर रहा होता है और वो वहाँ पर आने वाला होता है। नेली उन्हें आती है और बताती है कि अब एडगर को वहाँ से जाना चाहिए क्योंकि हिंडले वहाँ पर आने वाला है। एडगर वहाँ से चला जाता है और कैथरीन जो है वो अपने रूम में चली जाती है। देन चैप्टर नंबर 7। अब इस चैप्टर में बताया जाता है जो कैथरीन है वो एटलीस्ट 5 वीक्स वो लिंटन फैमिली के साथ स्पेंड करती है, और जो मिसेस लिंटन होती है यानी एडगर की जो वाइफ होती है वो उससे सिखाती है कि कैसे लड़कियों को बिहेव करना चाहिए, और वो उसी तरीके से बिहेव करने लगती है, और वो इसाबेला और लिंटन को ज़्यादा पसंद करने लगती है हिथक्लिफ के मुकाबले। अब क्रिसमस का जो फंक्शन होता है उस पर वो वापस अपने घर जाती है यानी वुदरिंग हाइट्स जाती है, और हिथक्लिफ को वो बहुत ही बुरा बोलती है कि वो बहुत ही डर्टी है जिसके कारण उसे बहुत बुरा लगता है। और जो लिंटन फैमिली होती है वो इस शर्त पे उन्हें आने देते हैं कि जो हिथक्लिफ है वो वहाँ पे नहीं रहेगा, तब वो एडगर और इसाबेला को वो आने देंगे, जिसकी वजह से हिंडले ये ऑर्डर देता है कि हिथक्लिफ को एक रूम में बंद कर दिया जाए। उसके बाद हिथक्लिफ को एक रूम में बंद कर दिया जाता है अलग से, जिसकी वजह से उसे बहुत ही गुस्सा आता है और बहुत ही बुरा लगता है, और वो डिसाइड करता है कि वो हिंडले से अपना रिवेंज लेगा। उसके बाद जब नेली वापस वहाँ जाती है उसे रूम से लॉक को खोल देती है वो, और उसे एक सुपर यानी उसे खाना देती है, और जो हिथक्लिफ है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। अब जब ये स्टोरी जो नेली है वो लॉकवुड को बता रही होती है तो काफ़ी देर हो चुकी होती है, काफ़ी नाइट हो चुकी होती है, लेकिन लॉकवुड बोलता है कि वो रात को लेट नाइट ही सोता है तो, और वो स्टोरी को और भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहता है। देन चैप्टर नंबर 8। जो नेली है वो थोड़ी सी स्टोरी को स्किप कर देती है और वो पहुँच जाती है स्टोरी के उस पोर्शन में यानी कि समर ऑफ 1778, जहाँ पे वो बताती है कि जो फ्रांसिस होती है यानी हिंडले की जो वाइफ होती है वो एक बेबी को बर्थ देती है जिसका नाम होता है हेयरटन, और उसके बर्थ के कुछ टाइम बाद ही फ्रांसिस की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से हिंडले जो है वो बहुत ही परेशान हो जाता है, बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इसके कारण वो ड्रिंक करना शुरू कर देता है। लेकिन हेथक्लिफ उसके इस स्टेडी डिक्लाइन को यानी धीरे धीरे जो उसका डिक्लाइन हो रहा है उसको बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करता है, और वो उससे क्या कहते हैं बदला लेना चाहता है। अब जो हेथक्लिफ होता है वो फ्री होके वापस आता है और वो कैथरीन से बोलता है कि वो चले उसके साथ, जैसे कि वो मूर्स में जाया करते थे वेस्टलैंड में खेलने के लिए, लेकिन कैथरीन उसे मना कर देती है और वो बोलती है कि जो एडगर है वो हिथक्लिफ से काफ़ी अच्छा है, और जिसकी वजह से हिथक्लिफ को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है। उसके बाद वहाँ पर एडगर आता है कैथरीन से मिलने और हिथक्लिफ वहाँ से चला जाता है, क्यों जो नेली है वो वहीं पर रहती है क्योंकि हिंडले ने उसको उसकी प्रोटेक्शन के लिए रखा होता है कैथरीन की, लेकिन कैथरीन उसे बोलती है कि वो वहाँ से चली जाए, इवन वो उसे स्लैप भी करती है, तो नेली वहाँ से जाती है। उसके बाद कैथरीन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, वो थोड़ा अजीब सा बिहेव करने लगती है, जिसकी वजह से एडगर थोड़ा डिसअपॉइंट होता है और वो वहाँ से चला जाता है, बट वो एक लास्ट ग्लिम्स लेना चाहता है तो वो विंडो में से झांक के देखता है और वो वापस क्या कहते हैं कैथरीन के पास आ जाता है, और वो दोनों एक दूसरे के लिए अपना लव कन्फेस कर लेते हैं। इधर जो हिंडले होता है वो ड्रिंक कर रहा होता है और वो वहाँ पर आने वाला होता है। नेली उन्हें आती है और बताती है कि अब एडगर को वहाँ से जाना चाहिए क्योंकि हिंडले वहाँ पर आने वाला है। एडगर वहाँ से चला जाता है और कैथरीन जो है वो अपने रूम में चली जाती है। अब आता है हमारा चैप्टर नंबर 9।
जो नेली है वो हेयरटन उसके पास होता है जो कि एक स्मॉल बेबी होता है हिंडले का, और हिंडले जैसे आता है तो वो उसे हिंडले को दे देती है। लेकिन जो हिंडले है वो काफ़ी अपने सेंसेस में नहीं होता, वो कॉन्शियस नहीं होता, उसने ड्रिंक की हुई होती है, तो सडनली हेयरटन को छोड़ देता है, जिससे कि हेथक्लिफ पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। उसके बाद हेथक्लिफ वहाँ से चला जाता है और हिंडले अपने रूम में चला जाता है। देन कैथरीन और नेली आपस में कॉन्वर्जेशन कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, और उन्हें नहीं पता होता कि जो हिथक्लिफ है वो उनकी सारी बातें सुन रहा है। कैथरीन जो है वो नेली से बोलती है कि अब उसके ये डिसीजन लेना चाहिए कि जो हेथक्लिफ है वो उसके साथ अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती, वो उससे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि जो हिंडले उसका ब्रदर है वो बहुत ही ज़्यादा उसे बुरी तरीके से ट्रीट करता है, और उसे अब एडगर से शादी करनी चाहिए। ये बात सुनते ही जो हेथक्लिफ है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेटेड फील करता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कैथरीन उसे बताती है कि चाहे वो एडगर से भी शादी करेगी लेकिन तब भी उसके बावजूद वो हिथक्लिफ से ही प्यार करती है। लेकिन नेली और कैथरीन को नहीं पता होता कि हिथक्लिफ ने उसकी इस तरीके की कोई बात सुनी है। तो गाइस इसी के साथ यहाँ पे यहाँ तक की हमारी चैप्टर 9 तक हमारी समरी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी समरी नेक्स्ट पार्ट से कंटिन्यू करेंगे।